अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको दुबई आल वीजा जॉब न्यूज चैनल में खुशामदीद कहता हूं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, नए लोगों के लिए अर्ज कर दूं कि हम वीजों के हवाले से नई अपडेट करते रहते हैं। वीजों के हवाले से हो, जॉब्स के हवाले से हो, वीजा विजिट वीजा हो, घर का वीजा हो, या फिर आपका कंपनी का वीजा, वर्क परमिट कैंसिल कैसे कराना है, इसके बारे में हम गुफ्तगू करते रहते हैं। और हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि हम आपके लिए नए नए कवानीन जो बनते हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू करते हैं। तो आज की वीडियो भी कुछ वीजे के ही हवाले से है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपका दिल करे, आपकी मर्जी हो और अगर पसंद आप फरमाएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें आजकल के दौर में, आजकल जो करंट हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमें कंपनी चेंज करनी चाहिए या नहीं चेंज करनी चाहिए, क्या हमें वीजा ट्रांसपोर्ट कंपनी का लेकर बाहर काम करना चाहिए या नहीं, जिसको हम आजाद वीजा कहते हैं, क्या आजकल के जमाने में आजाद वीजा लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मसला चल रहा है और दुबई के अंदर भी है, इसलिए आपको एहतियात करने की जरूरत है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ किन बातों से एहतियात करने की जरूरत है। कंपनी छोड़ने से पहले आपको इन बातों पर अमल करना जरूरी होगा। अगर आप नहीं करते, अगर आपको नहीं पता, तो आप बड़े खसारे में आ सकते हैं, बड़े नुकसान में आ सकते हैं। दोस्तों, वो कौन सी अहम बातें हैं कि अगर आप वीजा चेंज कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का वीजा नहीं लें, कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी, जो छोटी कंपनियां हैं उनके वीजे नहीं लें। क्यों नहीं लें, इसके क्या सबब है, क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि आजकल ये ऐसा कर रहे हैं कि आपको वीजा लगा कर देते हैं 2 साल का, आपसे 9-10 हजार रुपया ले लेते हैं वीजे का, साल की कफालत भी ले लेते हैं, 1 साल की ले लें या 2 साल की ले लें, बहरहाल वो कफालत लेकर वो 10-12 हजार का वीजा आपको ठोक देते हैं। इतने में वीजा पड़ जाता है और वीजा लेने के बाद आपको बिना बताए वो कैंसिल कर देते हैं। वीजा जब कैंसिल हो जाता है तो आपको तो पता ही नहीं होता, क्योंकि आपके सैनों की भी जरूरत नहीं है, बगैर सैन के भी वीजा अरबाब कैंसिल कर सकते हैं और कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो कैंसिल कर सकते हैं, उनको इख्तियार होता है, वो आपका वीजा कैंसिल कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। 3-4 महीने 5 महीने या 6 या 7 साल जब भी उनका मूड करे वीजा कैंसिल करके किसी और बंदे को वही वीजा बेच देते हैं। और जब आपको तो पता ही नहीं है, आप जब घर जाने के लिए जाते हैं या बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आईडी आपके पास होगी वो वैलिड होगी, लेकिन वीजा सिस्टम से, लेबर से, इमिग्रेशन से बोलो कैंसिल करके वही वीजा 2 बार भेज देते हैं, 3 बार भेज देते हैं, 4 बार भेज देते हैं, वो 2 साल के अंदर अंदर 3-4-5 बार उस वीजे को भेज देते हैं। बंदा जब उनके पास जाता है तो आप ऐसे कुछ बहाने मजबूरियां सुनाते हैं कि यार ये हो गया था, ये वजह बनी थी, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, बला बला, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। कुछ बेचारे तो ऐसे हैं जब वो एयरपोर्ट पर टिकट लेके जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट बंदे के पास होता है और कॉपियां वगैरह होती हैं, तो ये कैंसिल करने के लिए क्या होता है कि बंदा मतलब दुबई के अंदर, अबू धाबी दुबई के अंदर मौजूद होना चाहिए तो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आप मौजूद होते हैं, ये लोग पीछे से कैंसिल कर देते हैं और बंदा फंस जाता है। फिर जब एयरपोर्ट पे जाते हैं आप तो वो कहते हैं भाई आपका तो वीजा 5-6 महीने या साल या 2 साल पहले कैंसिल हो गया था, अभी आप क्या लेने के लिए आए, तो फिर बंदा मजबूर हो जाता है, फंस जाता है, जुर्माना होता है, जेल होती है, फिर वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें, अगर वीजा लेना है तो ऐसे बंदे से लें जिसको आप घर तक जानते हैं, जो आपका ऐसा करीबी है, एक ऐसा अजीज है। अगर आप वहां से वीजा चेंज करना चाह रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि यार मैं आजाद वीजा ले लूं और बाहर काम करूंगा, तो मतलब और भी बहुत 100 रीजन हो सकते हैं, बंदा कंपनी चेंज करता है, आपकी कंपनी सही नहीं है, तनख्वाह नहीं देती है, या आपकी तनख्वाह थोड़ी है, आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो इस सूरत में अगर किसी दूसरी जगह पर आपको वीजा लेना है या आप आजाद वीजा लेना चाहते हैं तो आजाद वीजा का ये जो आजकल हालात चल रहे हैं बिल्कुल ना लें, इसलिए ये पक्के हैं और ये मुसीबतें हैं। ये लोग, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर के ये लोग कैसे घूमते हैं, किस तरह से फ्रॉड है, नई तरीके से आपके साफ कर रहे हैं, वो भी देख लें आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल वीजा न लें, वो ट्रांसपोर्टर हों या कंस्ट्रक्शन वाले लोग हों, बिल्कुल ना लें, वरना फंस जाएंगे। कोई कंपनी काम वाली है, किसी के पास कंस्ट्रक्शन का काम है या ट्रांसपोर्ट का काम है, वो आपको वीजा देती है और काम भी देती है,
फिर ठीक है बिस्मिल्लाह करें, फिर उनके पास जाएं, वरना ये आजाद वीजे के चक्कर में ना पड़े। ये लोग वीजा तो दे देंगे लेकिन बाद में खुद से पीछे से कैंसिल कर देंगे, आप फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए। और ये कहां पर हो रहा है, ये अबू धाबी में हो रहा है और दुबई में ज्यादा हो रहा है, खासा इन दोनों जो स्टेट्स हैं ना, अबू धाबी और दुबई के, इन दोनों में ज्यादा हो रहा है। और ये लगातार, और ये कंपनियां बना लेते हैं, वीजे बेचते हैं और खुद बैंकों से लोन लेकर फिर भाग जाते हैं। कंपनी बनाई, 200-400 बंदे का वीजा निकाला, निकालने के बाद बेच दिया वीजा, फिर एक कंपनी से एक दूसरी कंपनी बनाई, दूसरा एलएलसी का लाइसेंस बनाया, ये बंदे उस कंपनी में ट्रांसफर किए। दोनों को जब ट्रांसफर करने के बाद बैंक में स्टेटमेंट दिखाते हैं कि यार हमारे पास इतने बंदे हैं, इतने लोग काम करने, आप मेहरबानी करें हमें जनाब लोन दें, तो बैंक आराम से लोन दे देता था कि यार इतने बंदों की ट्रांजेक्शन हुई है सैलरी की, तो इनके पास काम भी है और बंदे भी है, तो बैंक लोन देता है। जब ये लोन ले लेते हैं वहां से, पहले तो वीजे के पैसे लिए आपसे, फिर गवर्नमेंट से लोन लिया, वो लोन भी लिया, वीजे के पैसे भी लिए, सारा कुछ लेके भाग जाते हैं, फिर बंदा ढूंढता रहता है। उनका तो फायदा हो जाता है लेकिन बंदे का नुकसान हो जाता है। हमारे साथ ये हो गया है, ये नुकसान हुआ है हमारा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप ध्यान में रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपका दिल मुतमिन है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे वाली अपडेट के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपका दिल करे तो। अल्लाह हाफिज़।